My dear students, today we are going to discuss the topic, why do we have standard time? Why do we have standard time? हम मानक समय क्यों रखते हैं? इसका क्या कारण है? क्या इसका proper reason है कि हम एक मानक समय को मानते हैं? और मानक समय का मानने का जो कारण है उसे हम discuss करते हैं। The local time of places which are on the different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a time table for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. Local samay, jaisa ki hum mane तो गुजरात में द्वारका और जो आसाम में स्थित अपना डिब्रूगढ़ है उनके मध्य 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होता है. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री. इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 degrees ई इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन. और इस विभेद को जो अंतर है उसे मिटाने के लिए सभी देश अपना अपना आईएसटी या एसटी, हम इंडिया में आईएसटी यूज करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और दूसरे सभी कंट्री अपने अपने हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम यूज करते हैं. तो हम हमारी जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से मानते हैं? द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 degrees ई. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time. और इसे Indian Standard Time माना जाता है, जैसा कि अपना इस मैप में यहाँ से शो किया गया है और यहाँ दिखाया गया है कि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है. स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 degrees ईस्ट. ठीक है, तो इसे हम जैसा कि हिंदी में इसको मानक याम्योतर मानते हैं, जो एक प्रकार का मानक याम्योतर होता है, एक स्टैंडर्ड उस लॉन्गिट्यूड को हम मानते हैं. ऑन नेक्स्ट पेज, कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल. कबीर भोपाल के नज़दीक एक छोटे कस्बे में रहता है. ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट. ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन. वो अपने फ्रेंड आलोक को बताता है कि वे आज की रात सो नहीं पाएगी. ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन. इंग्लैंड में 2 PM पर जो एक क्रिकेट मैच स्टार्ट हुआ था. दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया. भारत में वो 7:30 PM तक चलेगा एंड फिनिश वेल इन टू द नाइट. डू यू नो वॉट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. क्या तुम जानते हो कि भारत और इंग्लैंड के मध्य कितना समांतर है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.30 ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT, जो GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है. सो इट विल बी 7:30 PM इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन. जो भारत में 7:30 PM है तो लंदन में 2 PM नून के होंगे. सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम. और कुछ एक देशों में एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन रशिया
देर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, वहाँ 11 स्टैंडर्ड टाइम्स के जोन बांटे हुए हैं। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स, और पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है ऑफ वन और इच, जो कि एक जो इसका जो बीच का डिफरेंस है एक और कवर करता है, एक घंटा कवर करता है। इच जोन दस कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, इस प्रकार से एक प्रत्येक जोन है वो 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। तो यह हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि स्टैंडर्ड टाइम होने का कारण ये होता है कि जो हमारी भौगोलिक बनावट जो क्षेत्र बहुत बड़ा होता है उसमें जो टाइम जो है उसका जो बीच का डिफरेंस जो रहता है लोकल टाइम का, उसको मिटाने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, और इसको इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी के नाम से कंसीडर किया जाता है। और आईएसटी हमारी है कौन सी, 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। इन दिस लेसन वी स्टार्टेड फ्रॉम ग्लोब एंड आफ्टर वी डिस्कस्ड लैटिट्यूड्स, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, एंड आफ्टर वी डिस्कस्ड हीट जोन ऑफ द अर्थ, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, एंड आफ्टर वी डिस्कस्ड व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, then we discussed longitude and time and in this video we discussed why do we have standard time and we discussed Indian standard time. I hope you have understood the whole concept of globe and latitudes and longitudes. In next video, we will discuss exercises. Thank you.